हाय गाइस, मेरा नाम तो आप सब देख रहे हैं आप ही के चैनल दीप्तन शुक्ल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक कॉपी पेस्ट वर्क 2023। और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने ये मुझे रिक्वेस्ट किए हो कि सर आप क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो कॉपी पेस्ट वर्क के ऊपर, जहां पे बहुत सारे क्रिएटर वीडियो बना रहा है फेसबुक से कॉपी पेस्ट करके 2 लाख महीने का, 3 लाख महीने का, 4 लाख महीने का, 5 लाख महीने का, 10 लाख महीने का, सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क करके। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को कोई कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, दूसरे का कंटेंट उठाओगे फेसबुक पेज पे डालोगे और मालामाल हो जाओगे। बहुत आसान, जॉब जाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, सोते रहोगे और पैरों में जैसे आम लगता है ना वैसे आपके बगीचा में पैसा ही पैसा होगा। काम क्या करना है, सिर्फ दूसरे का कंटेंट उठाना है और अपने पेज पे डालना है। और इतना इजी, इतना सरलता से हमारे पास क्रिएटर पेश कर रहे हैं इस कंटेंट को 2023 पे। और आप लोग मुझे भी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर आप क्यों बात नहीं कर रहे हो, जबकि मैंने 2023 पे 2 वीडियो आप लोगों को बना के दिया फेसबुक कॉपी पेस्ट के ऊपर, मगर उस पे तरीका मैंने जो बताया थोड़ा अलग था, थोड़ा टफ था, इसीलिए आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद नहीं आया है। क्योंकि आप लोगों को सुनना था मेरे मुँह से दूसरे का कंटेंट उठाओ, कपिल शर्मा शो डालो, ये शो डालो, वो डालो, ये करो और लाखों करोड़ों रुपए का इनकम, यही सुनना चाहते हो ना। तो आज बात करूंगा 2023 पे फेसबुक कॉपी पेस्ट वर्क का रियलिटी को लेके। दोस्तों आज से पहले फेसबुक पे कॉपी पेस्ट वर्क को लेके खुल के बताने वाला मैं ही था वो बंदा, जो कि 2019 में 2022 पे आप लोगों को बता दिया था फेसबुक पे कॉपी पेस्ट से लोग कैसे कमा रहे हैं और आप किस तरीके से कमा सकते हो। मगर अब 2019 नहीं है, 2020 भी नहीं है, अब है 2023 और चीजें काफी बदल चुका है उस टाइम का कंपैरिजन में। क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक का एल्गोरिदम, फेसबुक का एआई इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ करता था, इसलिए आप लोगों के कॉपी पेस्ट यानी कि सीधा सीधा कहूँ तो आप लोगों का चोरी करके जो कंटेंट से पैसा कमाने का तरीका था उसको पकड़ने में फेसबुक के एआई को बहुत ही दिक्कत होता था, या फिर ये कहूँ कि वो फैच नहीं कर पाता था, आपको पकड़ ही नहीं पाता था। मगर आज के डेट पे एआई इतना एडवांस हो गया है कि आज अगर आप लोग मेरे 2019-20 पे बताए गए या फिर आज के क्रिएटर जो आपको बता रहे हैं उस पे फोकस करके काम करने के लिए जाते हो तो डेली किसी ना किसी खतरा का सामना आप लोग कर लेते हो। क्या खतरा? पेज पे पॉलिसी इशू, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, डिजेबल पेज या फिर अनपब्लिश्ड पेज या फिर पे आउट डिजेबल, ये सब दिन भर आप लोगों का चलता रहता है। और उसके ऊपर से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, ग्रुप रेंट पे लेना होता है, जो कि पुराना बात है मगर पैसा तो इन्वेस्ट होता है। और पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी इनकम अगर आपके बैंक पे ना आए तो वो तो घाटे का सौदा होता है। और मैक्सिमम क्रिएटर को आज के डेट पे जो भी ये वीडियोस को देख के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं 4 महीने 5 महीने 6 महीने, उन लोगों का वो वक्त ज़ाया हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेज ना तो मोनेटाइज रहता है, ना तो वीडियो से कोई अर्निंग होता है, ऊपर से आईडी प्रोफाइल डिलीट होता है, डिजेबल होता है, पे आउट डिजेबल होता है और ग्रुप को रेंट पे लेने का खर्चा अलग से। और इतना सब करके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता और आप में से ऐसे बहुत क्रिएटर आज के डेट पे हो। कुछ कुछ लोग ही सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क से कमा रहे हैं। देखने वाले अगर 100 लोग हैं उनमें से 2 लोग ही कमाने वाले होते हैं और वो कमाने वाले ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म का मजे हुए खिलाड़ी है। और वो लोग जो क्रिएटर वाला नॉलेज है उसको कॉपी पेस्ट वाला नॉलेज से भी अब्बल दर्जे में जानते हैं, तभी वो लोग फेसबुक के एल्गोरिदम को 2023 तक भी चीट कर पा रहे हैं इन सम एक्सटेंट। सभी एक्सटेंट पे खुद वो लोग भी नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट पे। एआई इतना एडवांस हो गया फेसबुक का, आज एल्गोरिदम फेसबुक का बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। इसलिए 2023 पे अगर आप लोगों को कॉपी पेस्ट वर्क पे काम करना है तो वो खतरे से खाली नहीं है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से मैं आप लोगों को वो शॉर्टकट जो 2019 पे सिखा के छोड़ दिया था वो 2023 पे बात नहीं करता, क्योंकि वो सब मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को सिखा चुका हूँ। अब मैं जो बात करता हूँ वो करता हूँ आप लोगों के भविष्य को देख के, आप लोगों के फ्यूचर को देख के, ताकि कल को जब आप मुझसे मिलो तो ये कह पाओ कि अगर आप ना होते तो मैं आज इस मकाम पे नहीं होता,
आपकी वजह से मैंने सीखा और आज इतना कमा रहा हूँ और रेगुलर इनकम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे वजह से अपनी ज़िंदगी को चेंज कर चुका है, हालांकि हो सकता है अभी मेरे इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा क्योंकि आज उनके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपने खुद के कंटेंट क्रिएशन में इतना ज़्यादा घुस गया है कि समय नहीं दे पाता। मगर मेरे भाई लोग जो नए क्रिएटर हो, जो आने वाले फेसबुक के बेताज बादशाह बनने के लिए रेडी होने वाले हो, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को फेसबुक पे प्लेटफॉर्म पे काम करके लॉन्ग टर्म पे पैसा कमाना है तो कॉपी पेस्ट वो ज़रिया नहीं हो सकता है। आप लोगों को ओरिजिनल कंटेंट पे उतरना पड़ेगा। हालांकि आप खुद कंटेंट ना क्रिएट करो, मगर यहाँ पे आप खुद कंटेंट क्रिएट किए बिना भी ओरिजिनल कंटेंट बना सकते हो, और वो किस तरीके से बनाना पड़ता है उसका मैंने कॉपी पेस्ट दो वीडियो बना के आप लोगों को 2023 पे दे दिया, और इस वीडियो के एंड सेक्शन पे भी दो वीडियो दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए 2023 पे बिना कोई टेंशन, बिना कोई पैसा इन्वेस्ट की कैसे आप लोग किस किस आइडिया पे काम करके फेसबुक से पैसा कमा सकते हो। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को अब ये नहीं सिखाता हूँ कि कॉपी पेस्ट कैसे करके आपको पैसा कमाना है, वो तो मैंने बच्चों का खेल बता दिया था 2019 में ही। अभी नए बच्चे आप लोगों को बता रहा है, हो सकता है आगे भी बताए, मगर सुनने से विश्वास मत कर लेना, पहले जांच पड़ताल कर लो, खुद इम्प्लीमेंट कर लो, फिर ना आपको पता चलेगा असली फील्ड पे चल क्या रहा है। तो मैं कहूँगा ऐसे ही वीडियो देख के पैसा इन्वेस्ट मत कर देना, नहीं तो वो पैसा भी आपका डूब जाए। तो बेहतर होगा ओरिजिनल कंटेंट पे काम करो, ओरिजिनली काम करोगे तो फेसबुक पे आपको अभी भी आज से भी 10 साल का एक फ्यूचर मुझे तो एटलीस्ट नज़र आ रहा है इस स्टेज पे खड़ा होके। तो मैं आज के इस वीडियो से आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग जेन्युइनली काम करो, जेन्युइन क्रिएटर बनो और अपने पेज को अच्छे से बिल्डअप करो ताकि ये आपका एक डिजिटल प्रॉपर्टी हो जाए। डिजिटल प्रॉपर्टी तभी कहलाएगा जब वो प्रॉपर्टी आपका द्वारा ओन किया होगा, ना तो किसी दूसरे तीसरे का कंटेंट से। तो होप गाइस आज के ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया होगा नए कुछ करने के लिए, ओरिजिनली कुछ करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो दबा के लाइक कर देना, कोई दोस्त मेरे चैनल पर नए आयोजन को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं नाम कर दोस्तों, बाय।